दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। 17वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चंद दिन चंद घंटे शेष हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, मुख्यमंत्री की ताजपोशी होनी है। लेकिन वर्तमान विधानसभा में लोगों ने तो अपने मत का प्रयोग कर लिया है, अब देखिए सदन की तस्वीर कैसी है। अपने 123 निर्वाचित विधायकों के साथ सदन में पहुंचे बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में तब्दील बिहार के नए मुखिया की ताजपोशी में महज दिन और घंटों का इंतजार बाकी है। कुल 243 सदस्यों से भरी हुई बिहार की 17वीं विधानसभा की तस्वीर कैसी है, जरा आप भी जानिए। इसमें कितने हथियारों के शौकीन हैं, कितनों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, तो कितनों ने बमुश्किल 12वीं तक की पढ़ाई की। सामाजिक समरसता पालन तो वोटरों ने किया, जिन्होंने सभी वर्गों व जाति के लोगों को चुनकर सदन में भेजा। इस बार वीआईपी की नई एंट्री भी रोचक रहेगी। तो उधर पूर्व मुखिया अब मंत्री बनने को राजी नहीं है। आपको बता दें कि वर्तमान 17वीं विधानसभा में असलहों के शौकीन विधायक हैं तो कईयों के पास कई हथियार हैं, परंतु पिछली बार से इस बार ऐसे विधायक 15 की संख्या में कम हैं जिन्हें हथियारों का शौक है। कुल शस्त्र वाले 48, पुरुष 46, महिला 2। अगर पार्टियों के दृष्टिकोण से देखें तो भाजपा 21, कांग्रेस 1, AIMIM 1, राजद 15, जदयू 7। इस बार सदन की खूबसूरत बात यह है कि सदन में सामूहिक भागीदारी जातीय दृष्टिकोण से भी पूरी है। सवर्ण 64, मुस्लिम 20, पिछड़ा 100, अत्यंत पिछड़ा 39। सदन में इस बार वर्चस्व पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की रहेगी। ऐसा महज संयोग नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता का ध्यान वोटरों ने भी रखा है। सिर्फ जाति विशेष की बात करें तो सबसे अधिक 54 चेहरे यादव जाति के हैं। अब जरा संपत्ति की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि ADR के रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के 73 में 65, राजद के 74 में 64, जदयू के 43 में 38, कांग्रेस के 19 में 14 निर्वाचित विधायकों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। में पहुंचने वाले माननीयों में 142 विधायकों के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज है। इसमें कत्ल, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध तक के मामले हैं। अर्थात आधे से ज्यादा निर्वाचित विधायकों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें भी 9 के खिलाफ हत्या तो 31 विधायकों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। चलते चलते आपको यह भी बता दें कि 82 नव निर्वाचित विधायकों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की है। 149 अर्थात 149 विधायकों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या अधिक की है। 9 विधायक साक्षर हैं तो 1 विधायक के पास डिप्लोमा है। कुल मिलाकर सदन इस बार पूरी तरह 5 सालों के लिए तैयार है और उसके सामने अपराध, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों को बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि विकास के मुद्दे में यह भी शामिल है और वोटरों ने सिर्फ सड़कों पर फर्राटे भरने के लिए वोट नहीं किया, उन्हें तो इसके रोजगार भी चाहिए।